क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई 5 × 7 × 19 प्लस 5 इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो इस क्वेश्चन को हमें हल करना है और देखना है कि जो नंबर यहाँ पर दिया है वो कंपोजिट नंबर है या नहीं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर हम कहते किसको हैं। तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं वे एक तरीके से प्राइम नंबर नहीं होते। मतलब कंपोजिट नंबर वो होंगे जो अपने से अलग, जैसे मान लिया यहाँ पर हम 5 लिख दें तो 5 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये अपने से ही कटेगा, बाकी इसके फैक्टर नहीं हो सकते। अगर हम बात करें 10 की तो 10 के फैक्टर हो सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 और इनटू में 5 लिख सकते हैं। तो एक तरीके से ये अपने आप से भी कर सकता है, लेकिन 2 और 5 से भी कर सकता है, इसके फैक्टर यहाँ पर होते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर होता है। इसको हमें सोल्व करके, इस वाले जो नंबर हमें दिया हुआ है, इस नंबर को सोल्व करके हमें देखना है कि क्या उसके फैक्टर हो सकते हैं। अगर फैक्टर होते हैं तो वो एक कंपोजिट नंबर होता है। तो इसको अब हमें सोल्व करना है, इसको हमें हल करना है। और हल करने के लिए क्या होता है, ऐसे जब एक से ज़्यादा उसमें साइन आए, मल्टीप्लीकेशन भी हो, डिवीजन भी हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, जोड़ना घटाना भाग करना, सारे चिन्ह उसके अंदर अगर दिए हों तो उसको हम करते हैं, एक हमारे पास रूल होता है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास रूल। तो इसमें हम बोर्ड मास रूल लगाएंगे। तो बोर्ड मास रूल क्या होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। एक हमारे पास होता है बोर्ड, यहाँ पर मास रूल, बोर्ड मास रूल। इसका मतलब यह है कि अगर इस तरह की कोई हमारे पास नंबर होते हैं तो पहले मल्टीप्लाई करें या जोड़ें या भाग करें, क्या करें, तो इसके अनुसार हम करते हैं। हमें लेफ्ट से राइट इस पर चलना होता है। पहले देखते हैं कि जो ब्रैकेट होते हैं, इसको कहते हैं ब्रैकेट, कोष्टक कर दिए हैं, तो ब्रैकेट वाले को हम पहले हल करेंगे अगर इसके अंदर कोई ब्रैकेट है। इसके बाद जो ओ है, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ऑर्डर मीन्स या पावर, और पावर भी उसमें कहीं कहीं आ जाती है, तो पावर वाले को हम पहले हल करेंगे। उसके बाद जो डी है वो डिवीजन को बताता है, भाग, अगर उसको बाद हम भाग वाले को हल करेंगे उसमें। फिर मल्टीप्लाई का इसमें आता है, फिर एडिशन का आता है, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने वाला ऑपरेशन हम उसमें लगाते हैं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें से 5 कॉमन लिया जा सकता है। 5 जब 5 कॉमन लेंगे तो एक तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 की जगह 1 × में यहाँ पर 7 × में यहाँ पर 19 और प्लस, क्योंकि 5 बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये बिना हम ऐसे भी कर सकते थे सीधी सीधी इनमें, क्योंकि हमारा अगर बोर्ड मास रूल से देखें तो ब्रैकेट इसमें था नहीं, ऑर्डर पावर में कोई था नहीं, डिवीजन कोई था नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन वाला पहले हम करेंगे। तो तीनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, उसके बाद एडिशन वाले को 5 उसमें जोड़ देंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको हमें यहाँ से एक तरीके से हल करना है। तो यहाँ पर 7 की 19 में मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 और ये यहाँ से आ जाएगा 7 × 63 और हासिल कुछ 6 × 7 = 6 = 13 = 133 यहाँ पर आ गया, और प्लस 1 यहाँ से आ गया। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 5 और इनटू में यहाँ पर ये 134 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में यहाँ पर 134 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि यह इसको इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि इसके फैक्टर हो सकते हैं। 5 5 × 20 बचे 2, 5 × 3 = 15, 17 बचा 1, 5 × 5 और 1 6 670 ये बन के आ गया। तो जो 670 है ये दिस नंबर इज डिविजिबल, यानी कि इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो या हम कह सकते हैं कि इसके ये 134 के फैक्टर हो सकते हैं। तो दिस यहाँ पर देखेंगे तो दिस नंबर इज डिविजिबल, इसको, और इट हैज मैनी फैक्टर, इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। सो दिस नंबर इज कंपोजिट, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट कहते हैं। तो इस तरह से हम कंपोजिट नंबर की पहचान कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर ऐसा ही हल करके ये कोई आ गया होता 27 आ गया होता, तो 27 या 29 आ गया होता, तो 29 तो अपने आप से ही कटेगा, बाकी और किसी से नहीं कटेगा, तो ये प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन कंपोजिट नंबर ये नहीं है। तो ऐसे इसको प्रूव किया जा सकता है किसी भी नंबर को, अब बोर्ड मास रूल लगा के,
या उसको जोड़ना घटाना घटाना भाग करके जो आए, अगर वो फैक्टर रखता है तो समझ लीजिए वो कंपोजिट नंबर है। बस इस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं। थैंक यू।